जो जीता वहां जश्न है और जो हारा वहां हाहाकार है। जीते तो एकजुटता और संगठन की शक्ति का दम दिखाया जाता है और जब हार जाते हैं तो ब्लेम गेम का दौर शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं अपर्णा मौजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनाव में जिसकी हार होती है उस खेमे की ऐसी ही कहानी होती है और ये कहानी एक बार फिर लिखी जा रही है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के सत्ता का सिंहासन चिना तो सिर्फ टव्वल शुरू हो गई। जो कभी साथ साथ थे आज एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चुनाव में पार्टी और अपनी करारी हार के बाद अमरजीत भगत ने नेताओं में सामंजस्य की कमी को जिम्मेदार ठहरा दिया। भगत ने दो टूक कह दिया कि अपने अपने के चक्कर में सब निपट गए। बिल्कुल हुआ है, सब लोग जो है अपना अपना चलाने के उसमें एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में सब हुआ है, सब लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचा है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक अब चुनकर आ रहे हैं ये लोग अपना जो विजय जुलूस है बुलडोजर के साथ निकाल रहे हैं। बुलडोजर चलेगा बोल रहे, चलेगा किस पे? कहीं भी चल सकता है, बिना ब्रेक का गाड़ी है। अब जिसको चुने उसको भोगना, उसको झेलना तो पड़ेगा। तो भगत का ये बयान सीधे तौर पर यह साबित करता है कि पार्टी भले ही फ्रंट फुट पर आकर एकजुट होने का दावा कर रही हो लेकिन अंदर खाने सब बटे हुए थे और पार्टी से ज्यादा अपने अपने बारे में सोच रहे थे। यानी कि अंतर्कलह हावी थी जो चुनाव में भारी पड़ गई। अब कांग्रेस भगत के बयान पर डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है, वहीं बीजेपी मजे ले रही है और कांग्रेस पर तंज कसने में पीछे नहीं दिख रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रदेश में मुद्दा नहीं था। दोनों पार्टी की घोषणा पत्र जनता के बीच में गई और जो महिलाएं हैं उनका झुकाव थोड़ा ज्यादा भाजपा की ओर हो गया, इसलिए वो सरकार बनाने में की स्थिति में आ गए। और जिस प्रकार से आप जिस बयान की जिक्र कर रहे हैं तो ये तो चुनाव के पश्चात जो परिणाम आए हैं उसको हमारे वरिष्ठ नेतागण उसकी समीक्षा करेंगे, कारणों को जानेंगे तो ही स्थिति स्पष्ट होगा। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता एकजुटता के साथ चुनाव लड़े हैं और उत्साह के साथ चुनाव लड़े हैं और प्रत्याशियों का प्रदर्शन भी बेहतर रहा है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि कांग्रेस कई विभागों में विभक्त हो चुकी है, कई दरारें आ चुकी है और कई दरारें तो ऐसी है जो घाटियां बन चुकी है। अब अमरजीत भगत जी स्वीकार कर रहे हैं और अब सब नेता स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस पार्टी में किसी ने कांग्रेस के लिए काम नहीं किया, सब अपने व्यक्तिगत ध्येय के लिए आगे बढ़ते गए और आज ये जो हार हुई है कांग्रेस की ये बड़े बड़े टुकड़ों में बंटने के कारण हुई है। अमरजीत भगत जी आज आप स्वीकारे हैं, कल हर कांग्रेस का नेता इस बात को स्वीकारेगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लक्ष्मी वर्मा बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष, सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश जी, पहला सवाल मैं आप इसे करूंगी क्योंकि आप ही के नेता के इस बयान के बाद आप ही की पार्टी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए सामने आना पड़ रहा है, लेकिन अमरजीत भगत ने जो कह दिया सर, डैमेज तो हो गया। अपर्णा जी देखिए, एक बात मैं बोलूंगा, चुनाव हम लड़े तो हम एकजुटता के साथ लड़े, क्योंकि देखिए एकजुटता के साथ लड़े हैं तभी आप अगर 2018 से और अभी की आप तुलना करेंगे, हमको जो वोट प्रतिशत मिला है उसमें मात्र 0.36% की कमी आई है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी 10 सीटें ऐसी है जिसमें भाजपा और कांग्रेस का जो अंतर है हार जीत का वो मात्र 1% है और कुछ सीट हम 150, 200 या 300 अंतर से हारे हैं। तो दिखता है कि एकजुटता के साथ हम जमीन पे उतरे, हमने मेहनत की है तभी ऐसा हुआ है और भूपेश बघेल जी पे जनता ने भरोसा दिखाया, ये दिखता है। क्योंकि जो वोट प्रतिशत जैसे मैं बात की, अंतर की बात की, वो इतना कम है तो दिखता है, मगर कहीं ना कहीं ऐसे हो सकता है कि हमारी बातें जनता तक नहीं पहुंच पाए, कुछ ऐसी कमियां रह गई होगी जो जनता तक हम कनेक्ट नहीं कर पाए, मगर हमारी बैठक होगी, हमारे वरिष्ठ नेता लोग बैठेंगे, उसको समीक्षा करेंगे तो चीजें सामने आएंगी कि किस वजह से ये हमको इतनी सीटें मिली है या सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, सब चीजें समीक्षा के बाद सामने आएगी और ये सब चीज मीडिया में आएगी। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम इधर थे उधर, जो बीजेपी वाले करते हैं भाई, बीजेपी वाले अपने यहाँ पहले देख ले, वहां पे ब्रिजमोहन गुट अलग घूमता रहता, राजेश कुमार गुट अलग घूमता था, अभी सत्ता में आ गए तो अभी देखिएगा, एक महीने रुक जाए, सब तमाशे आपको सड़कों पे इनके भी दिखे, इनके दिख जाएंगे। तो ये चीजें देखिए इनके यहाँ होती है, हमारे यहाँ एकजुटता है,
तभी बार में बोल रहा हूँ, एकजुटता की वजह से 2018 में भी सत्ता में आए थे और एकजुटता की वजह से हमारे अभी भी अगर प्रतिशत कम हुआ है तो 0.36% कम हुआ है। और देखिए फिर एक चीज आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, 2003 में भी हम तीनों राज्य में हमारे को हार मिली थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी में, मगर 2004 में लोकसभा चुनाव हुआ था और हम यूपीए सरकार बनाए थे हमने। तो ये फिर से हम योद्धा के तौर पर जमीन पे लड़ेंगे, जमीन से सदन तक हम लड़ाई जारी रहेगी। एक सकारात्मक टोटके के लिए हार गए क्या सर? और उसके बाद 2018 में मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार बनती है लेकिन वोट प्रतिशत बीजेपी का ज्यादा रहा और अब यहां पर आप 2003 के चुनाव का हवाला दे रहे हैं, तो क्या टोटके में हार गए कि लोकसभा में जीते हैं तो पहले विधानसभा की लड़ाई हार जाएं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं, देखिए यही मैं बोल रहा हूं, मीडिया में जो चलती है ना बात यही चलती है। मैं ये बोलना चाहिए हम हार नहीं मानते, हमारी जो जंग है वो लड़ाई जारी रहेगी। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हर बात के लिए मीडिया दोषी है, हर बात के लिए ईवीएम दोषी है। मुझे एक बात समझा दीजिए, अगर वाकई आपकी पार्टी के नेताओं में एकजुटता होती तो अमरजीत भगत सामने क्यों आते? क्या आवश्यकता थी इस तरह का बयान उन्हें देने की? आपकी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो तो मंथन कर ही रही थी, नैतिकता के तौर पर कोई इस्तीफा देता ना? इस तरह का बयान देकर तो आप ही की पार्टी के नेता ने सवाल खड़े किए हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि समीक्षा बैठक होगी, वरिष्ठ नेता बैठेंगे, समीक्षा होगी हार के कारणों की, इसमें जायजा लिया जाएगा क्यों हमारी सीट इतनी हुई है, हम सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। तो इसके लिए आप मीडिया को भी तो इंतजार करना पड़ेगा ना, 2 से 3 इंतजार आप भी कीजिए। सब समीक्षा बैठक होगी, समीक्षा में जब अमरजीत भगत ने इंतजार नहीं किया ना सर, ठीक है ठीक है, आप ही की बात आगे रखते हुए, आप ही की बात आगे रख रहे हैं सर, मेहनत करेंगे हम, आगे बढ़ेंगे, बढ़ना भी चाहिए सर, राजनीति में आए हैं तो आगे बढ़ेंगे ही, मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, जाहिर सी बात है। लक्ष्मी वर्मा जी, जिस तरह से नुकसान यहां पर हुआ है उस पर सत्यप्रकाश सिंह को आपने सुना, वो कह रहे थे कि देखिए हमारी पार्टी का मसला है, लोकतंत्र है, एकजुटता है, इसीलिए इस तरह का नतीजा आया है और हम मंथन करेंगे, लेकिन बीजेपी का के लिए उन्होंने कह दिया कि 1 महीना रुक जाइए, हाहाकार तो असली वहां मचने वाला है। अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से जो भी निर्णय आता है, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि वैचारिक रूप से सबकी पृष्ठभूमि अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब हम संगठनात्मक रूप से काम करते हैं तो संगठन के निर्देशों का पालन करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है अभी। अब कितना भी कह ले सत्य प्रकाश जी, इनके मंत्री अमर भगत जी अभी कह चुके हैं कि हार के कारण इनके गुटबाजी है, और वो 5 साल देखने में मिला। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेके 2.5 साल की लड़ाई टीएस सिंहदेव जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी के बीच में लगातार भूपेश बघेल जी के साथ में चली। उसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने पंचायत मंत्री से इस्तीफा दे दिया, वो भी 4 पन्नों का ब्लेम लगाते हुए। दूसरे तरफ ये जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, जिन उद्देश्यों को लेके इनको जनमत मिला था 2018 में, लेकिन पूरी तरह से नाकाम रही। छत्तीसगढ़ में हर वर्ग कांग्रेस की सरकार से त्रस्त रहा, चाहे महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, चाहे हम किसान की बात करें, चाहे हम कर्मचारी की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो हर वर्ग इनके काम से परेशान थे। और छत्तीसगढ़ को इन्होंने भ्रष्टाचार के कारण बदनाम करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, आम जनता के जो पैसे हैं उनको हड़पने में भी कमी नहीं की, और इसको छत्तीसगढ़ के जनता ने देखा, युवाओं ने देखा कि उनके भविष्य के साथ पीएससी में घोटाले करके खिलवाड़ किया गया। ऐसे शासकीय कर्मचारियों ने देखा कि किस तरह से उनके साथ अन्याय अत्याचार की ये सरकार, डीएए का इनका जो है उसको रोक करके कितने दिन शासकीय कर्मचारियों को भटकाती रही, संविदा कर्मचारियों को भटकाती रही, ऐसे हर वर्ग को छलने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। तमाम दो एस्पेक्ट जहां पर कांग्रेस की सरकार नाकामयाब रही, ये बीजेपी ने, यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता बता रही है, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा जी, सत्यप्रकाश जी, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि अमरजीत भगत के इस बयान के बाद भले ही आपकी पार्टी के नेता आकर कहें कि ऐसा कुछ नहीं था, आप भी ऐसा कह रहे हैं सर, लेकिन जो कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहा था कांग्रेस के झंडे तले, क्या उसका मनोबल कमजोर नहीं होगा ये सुनकर कि नेता क्या कह रहे हैं? अपर्णा जी, मैं एक बात पहले जवाब दे दूं, लक्ष्मी वर्मा जी को याद दिला दो, अरे हमने 5 साल छत्तीसगढ़ की मैतारी का उतना सेवा किया जितना 15 साल नहीं किया था,
83,000 प्रति व्यक्ति आय से 1,33,000 प्रति व्यक्ति आय किया हमने, 45 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते तो छत्तीसगढ़ में हुआ, पूरे प्रदेश पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। किसानों को अगर सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य मिला है धान का तो छत्तीसगढ़ मिला, पूरे देश में कहीं नहीं मिला। युवाओं को अगर रोज सरकारी नौकरियां सबसे ज्यादा मिले तो छत्तीसगढ़ में मिली, कहीं पूरे देश में नहीं मिली। तो ये हमने करके दिखाया और इनकी केंद्र सरकार खुद हमको 5 साल में 65 से ज्यादा पुरस्कार देती है। वही मैं बोल रहा हूँ, हमने काम किया छत्तीसगढ़ मतारी की सेवा की, हमको मौका मिला। मगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कुछ तो कमी रह गई होगी, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता। मगर इसकी समीक्षा के बाद चीजें सामने आएंगी, कौन क्या किसकी वजह से हुआ, किसी वजह से नहीं हुआ, क्या कारण थे, समीक्षा के बाद ये सब चीजें सामने आएगी, उस पर मेहनत करेंगे। हम कांग्रेसी एक योद्धा के तौर पर लड़ते हैं, हम हार को स्वीकार करते हैं और उसको आगे बढ़ते हैं, योद्धा के तौर पर लड़ाई लड़के आगे बढ़ते हैं। वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, योद्धा के तौर पर लड़ेंगे और फिर से वापस आएंगे। क्योंकि देखिए जैसे मैंने बोला, बीजेपी में ज्यादा अंतर करो अपने यहाँ क्यों नहीं देखते, अरे हम एकजुट थे, एकजुट थे तभी तो इतनी सीटें आई है ना। आप देखिए 2018 देख लिया ना, एंटी इनकम्बेंसी ऐसी है कि हम 2018 जैसे हमारे वाला जो बीजेपी के थे, हमारे यहाँ एकजुटता थी, उसके तहत हमने मेहनत की, हमको जनादेश मिला। मगर हाँ, कहीं कमियां थी, वो कमियों का क्या थी उसको दूर किया जाएगा, आगे बढ़ेंगे हम। और बार बार बोल रहा हूँ, आप एक महीना रुक जाइए, बीजेपी के अंतर्गत आपको सड़कों पे नजर आएगी, इनके नेता सड़कों पे हुजूम करते नजर आएगा। अरे इनके नेता वही है जो नरेंद्र मोदी जी को टेबल के नीचे बिठा देते हैं। तो ये अपने यहाँ के पास देखे ना कैसे जूता बाजार होती है, सबको जानते हैं। टिकट बंटवारे में इनके कार्यालय में पत्थरबाजी हो जाती है, इनके बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन हो जाता है। हमारे यहाँ कब हुआ था ऐसा? तो यही मैं बोल रहा हूँ, हमारे एकजुटता है, कोई ऐसी नहीं है। कमियां कहाँ थी वो सबके सब मीडिया के सामने 2 से 3 दिन के अंदर आपके सामने आएगी। तो दूसरे पर पत्थर उछालने से पहले अपने गिरेबान झांक लीजिए, ये कहना है सत्यप्रकाश सिंह का लक्ष्मी जी। और सवाल यहाँ पर ये पूछा भी जा रहा है कि अगर सब कुछ इतना साफ था तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, इस चुनने में इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? पार्टी अभी विधायक दल की बैठक होगी और बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी का चेहरा सामने आ जाएगा। जब राजनीतिक पार्टियां हैं बहुत सी चीजों की समीक्षा करती है और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये विधायक दल तय करता है, तो इनको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री का चेहरा आ जाएगा। हमारा चेहरा कमल छाप था जिसपे निशान लगाकर छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है इस छत्तीसगढ़ में, और जिन विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में सरकार बनाया है, हम किसान हितैषी आम जन हितैषी काम निश्चित रूप से करेंगे। रही बात सत्य प्रकाश जी की, अभी बहुत बात कर रहे थे और बोल रहे थे वो कि छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का स्वरूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री सम्मानी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, और 2003 के पहले छत्तीसगढ़ की यहाँ आतत आई सरकार है उसको छुटकारा दिला के 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने जनहित में, चाहे हम हर क्षेत्र की अगर डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एजुकेशन हेल्थ और आम जन के लिए जो काम किया वो छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा था। और 5 साल निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने सोचा चलिए हम इनको भी देख ले, लेकिन इन्होंने वादा किया लेकिन बहनों को पूरी तरह से परेशान करने का काम, छत्तीसगढ़ को नशे में डुबोने का काम, छत्तीसगढ़ के युवाओं को डुबोने का काम, ये सारा काम कांग्रेस की सरकार जो की है। यहाँ कोल घोटाला, सेंड घोटाला, पीडीएफ घोटाला, गोबर घोटाला, क्या घोटाला नहीं किए छत्तीसगढ़ में, और इसको छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा कि उनका जो पैसा है आम जनता का पैसा, उसकी पूरी बंदर बांट और लूट मचा के कांग्रेस के लोग रखे हैं, इसलिए आज ये बदलाव जो है वो नजर आ रहा है। सत्य प्रकाश जी, घोटालों की सरकार रही इसलिए जनता ने आपको सबक सिखाया है, आपकी पार्टी को। अपर्णा जी, ईडी आईटी ने बहुत भेजा था, एक भी तथ्यात्मक आरोप नहीं लगा पाए, एक भी तथ्य सिद्ध नहीं कर पाए। ईडी आईटी ने भेजा हुआ, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, 17 तारीख को मतदान हुआ, 17 से आज 5 तारीख हो गई है, उसके बाद से ईडी का एक छोटा सा अधिकारी भी रायपुर में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? तो जनता जानती है। अब महादेव ऐप के जहां तक बात है, सबके सामने षड्यंत्र खुल गया है, वो गाड़ी किसकी थी, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो ड्राइवर ने हाई कोर्ट में जाके क्या बोला है, तो जनता भी देख रही, षड्यंत्र के तहत किया गया, एक माहौल ऐसे बनाया गया, एक मैं बोलूंगा मार्केटिंग ऐसे की गई है नेगेटिविटी कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए, जो जनता अब समझ जाएगी। अब देखिए जनता के बीच में नेगेटिविटी फैला दी है, जनता उस पर भरोसा करके इनको जनादेश दे दिया जनता ने, मगर देखिए अब धीरे धीरे जनता समझेगी कि इन्होंने क्या नेगेटिविटी फैलाई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मैं बोला विपक्ष के नाते सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, इनको सबसे पहले अपनी घोषणा पत्र में काम करना पड़ेगा। विपक्ष के नाते हमारा जो काम होगा सदन से लेकर सड़क तक वो हम करते रहेंगे, इनको याद दिलाते रहेंगे कि भाई आपको ये करना है ये नहीं करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, उस पर पहले काम चालू करो। और उससे महत्वपूर्ण बात जो आपने खुद ने इनसे पूछे, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक क्यों नहीं सामने आ पाया?
अरे मुख्यमंत्री चेहरा मैं तो बोलता हूँ, ये तीनों राज्य में मोदी जी के नाम पे लड़े थे, मोदी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए आप तीनों जगह, तो सबसे मैं वही दिख रहा है ना, अंतरकल कहाँ है? आप बोलते हैं मुख्यमंत्री अभी आ जाएगा तभी आ जाएगा, अरे चार दिन हो गया है अभी तक आप ये तय नहीं कर पाए, तो आपके अंदर अंतरकल कितना है, आपके अंदर गुटबाजी कितनी है ये दिख रही है। आप अभी तक, और आपके प्रवक्ता मेरे साथ टीवी डिबेट बैठ के बोलते थे कि हमारी अगर सरकार आएगी तो एक घंटे के अंदर मुख्यमंत्री तय हो जाएगा, एक घंटे में, भाई साहब यहाँ चार दिन हो गए हैं, आपके प्रवक्ता बड़े बड़े प्रवक्ता मेरे सामने बैठ के बोलते थे सरकार आएगी तो एक घंटे के अंदर मुख्यमंत्री तय हो जाएगा, तो कहां गया वो एक घंटा? यही दिख रहा है कि इनके अंतर का कितना है। आप रुक जाइए ना, मैं वजह से बोल रहा हूं, एक से डेढ़ महीने रुक जाइए, सड़कों पे जूता पैदा करते दिखेंगे इन्हीं के नेता, इन्हीं के लोग, इन्हीं के कार्यकर्ता, क्योंकि देखिए तो हार के कारणों पर आपकी पार्टी अभी समीक्षा करेगी, और वो जीत कर आए हैं तो अभी मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन करने पर समय भी ना ले, ये आप कह रहे हैं सत्यप्रकाश जी। लक्ष्मी वर्मा जी, लेकिन सीधा आरोप कांग्रेस आपकी पार्टी पर हर मंच से लगाती है कि देखिए मेहनत नहीं मार्केटिंग करती है बीजेपी। बीजेपी अगर मार्केटिंग करती तो आम जनता का नहीं हित होता। हम 2014 के बाद जैसे ही केंद्र में सरकार आई, मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की कि हम शौचालय बनाएंगे घर घर, स्वच्छ भारत की। अरे मोदी जी ने तो 2 करोड़ रोजगार भी बोला था, मोदी ने महंगाई भी बोला था कम करेंगे, 2022 तक किसान को आदमी भी करेंगे, 2022 तक घर हर घर भी देंगे, वो भी बोला था। तो मोदी की गारंटी 35 रुपए पेट्रोल भी देंगे डीजल भी देंगे, उसका क्या हो गया? 15 लाख देंगे, बाहर से काला धन लेके आएंगे, सब गारंटी कहा गई 9 साल में। आपने सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी 9 साल की थी और 15 साल भी यहाँ वही किया था। अभी जनता अगर आप आदेश दिया है तो उससे पहले आप सोचिए मुख्यमंत्री कहां से कौन होगा, उस पर सोचिए। जनता ने आपको आदेश दिया है उसका सम्मान कीजिए। आप दूसरी पार्टी विपक्ष पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपनी सरकार बनाने के ऊपर मेहनत। अरे सुन लीजिए सत्यप्रकाश जी, ढूंढ लीजिए पहले हमारी जो योजना है केंद्र की, उसको तो आप रोड़ा बनाते रहे और उसको छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और इसलिए आपको नकारा है। इतनी बड़ी जो गरीबों के जो आवास है उसको तक तो आपने संख्या बनना नहीं दिया, 18 लाख आवास आपने रोका उसको, और पुनः आपने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया कि हम सत्ता में आएंगे तो 18 लाख आवास देंगे। तो जब आपने केंद्र की जो दिए हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों के मकान थे उनको तो खा गए, ले तो जनता कैसे विश्वास करेगी आप पे कि आप और सरकार में आएंगे तो आप देंगे उनको। विधवा बहनों के लिए आपने तो घोषणा किया था, उनको तो दे नहीं पाए, तो आम बहनों को कैसे देंगे? तो कैसे आपके ऊपर विश्वास करती हम मोदी जी की गारंटी के साथ पर बहनों को महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए देंगे कहा है, हमारी सरकार हर बहनों को देगी ये आप देखेंगे। तो जो कहती है कांग्रेस तो झूठी लबरी सरकार साबित हुई है आम जनता भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से नहीं मुकरेगी, जो वादा हमने आम जनता से किया है वो वादा बिल्कुल निभाएंगे। जी ठीक है, लक्ष्मी वर्मा जी तो कह रही हैं कि उनकी पार्टी ने जो वादे किए थे पहले भी और अब आगे भी निभाते रहेंगे, लेकिन सत्यप्रकाश सिंह जी एक विपक्ष के तौर पर किस तरह से भूमिका आपकी पार्टी की रहने वाली है? क्या पहले अपने अंदर जो विरोधी बैठे हुए हैं पार्टी के अंदर ही उनसे निपटेगी कांग्रेस, या सत्ता में सरकार बैठने जा रही है उससे? अपर्णा जी पहले मैं जैसे मैं बोल रहा था कि इनका तो जो मोदी जी ने भी बोला था ना भाई 9 साल में, क्योंकि महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, काला धन लेके आएंगे, उस पर क्या काम कर लिए? 15 साल उन्होंने आदिवासियों को गाय दे देंगे, हर आदिवासी पर नौकरी देंगे, तो इनका झूठ और जुमले भाई जनता जानती है, मगर जैसे हमारी कुछ कमियां थी जनता तक नहीं गई है, और इसीलिए हमको विपक्ष में बैठने की जनादेश मिला है। इनकी जो देखिए धीरे धीरे जैसे वो मार्केटिंग खुलेगी तब जनता समझेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला विपक्ष के नाते हम सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, एक मजबूत विपक्ष दिखाएंगे इनको कि मजबूत विपक्ष होता क्या है। देखिए इन्होंने जो घोषणा की है वो इनको पूरा करना पड़ेगा, और वो हम याद दिलाते रहेंगे, सदन से लेकर सड़क तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जनता के हित के लिए, जनता के आवाज बनकर। ठीक है सर, ये लड़ाई आप लड़ते रहिएगा सड़क पर भी, सदन के अंदर भी विपक्ष के तौर पर, लेकिन पहले जो आपकी पार्टी के अंदर विभीषण बैठे हुए हैं ना, शायद उनसे आपको निपटने की आवश्यकता जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है वो हार के कारणों पर समीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ हर कोई एक दूसरे का पिटारा खोलने में लगा हुआ है कि देखिए सब अपना अपना सोच रहे थे इसीलिए सभी निपट गए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।